आज का हमारा टॉपिक रहेगा जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो ऐसे जंतु जिनमें कोशिकीय स्तर की संरचना होती है, एक ऐसे जंतु होते हैं जिनमें ऊतक स्तर की संरचना होती है। जिनमें कोशिकीय स्तर की संरचना होती है उस फाइलम में है पोरिफेरा, छिद्रयुक्त पोर लाइक छिद्रयुक्त जंतु उसमें आते हैं, कोशिकीय स्तर की संरचना उनकी होती है। ऊतक स्तर की जिनकी संरचना होती है उनको तीन खंडों में बांटा गया है। एक तो ऐसे जंतु होते हैं जिनकी बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं होती है। ऐसे जंतुओं में आते हैं आपके हाइड्रा या चपटे कृमि, संघ सेलेंटेटा और संघ प्लैटिहेलमिंथिस। कूट देवगुहा वाले जंतु जो दूसरा इसका ऊतक स्तर की संरचना का जो दूसरा भाग है, कूट देवगुहा वाले, कूट का अर्थ होता है झूठा, यानी देवगुहा जैसी दिखती है लेकिन देवगुहा होती नहीं है। इसमें हम रखते हैं नेमेटोडा वाले जंतुओं को। देवगुहाधारी वाले जंतुओं को भी दो खंडों में विभक्त किया गया है। एक तो ऐसे जंतु होते हैं भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म की कोशिका का विकास होना, इसमें आते हैं आपके एनिलिडा फाइलम, संघ एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा वाले जंतु। दूसरा जो देवगुहाधारी जंतु आते हैं जिनका अंतः स्तर की एक थैली से देवगुहा का निर्माण होता है, देवगुहा बनती है, और इस अंतः स्तर की एक थैली में देवगुहा का जन्म बनना होता है। वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जंतु होते हैं जिनकी जिनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड विहीन होते हैं, उनमें रखते हैं हम संघ इकाइनोडर्माटा वाले जंतुओं को, और दूसरा होता है नोटोकॉर्ड युक्त जिनमें नोटोकॉर्ड विद्यमान रहती है, वो आते हैं कॉर्डेटा। इस कॉर्डेटा संघ को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो ऐसे कॉर्डेटा होते हैं जिनमें लार्वा में अवशोषी अंग के रूप में या अवशेष के रूप में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, उनको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। एक जो वयस्क में मेरुदंड नोटोकॉर्ड बनती है, मेरुदंड जो है नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन कर देती है, नोटोकॉर्ड से मेरुदंड का निर्माण हो जाता है, वो कहलाते हैं कशेरुकी जंतु। इन कशेरुकी जंतु को भी छह समूहों में विभक्त किया गया है। एक तो सबसे पहले आपके साइक्लोस्टोमेटा, संघ साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा होता है मत्स्य वर्ग, तीसरा होता है जल स्थलचर वर्ग, अगला होता है सरीसृप वर्ग, फिर अगला होता है पक्षी वर्ग, और लास्ट में आता है स्तनपाई या स्तनधारी वर्ग। तो जंतु जगत का यह संपूर्ण वर्गीकरण आपके सम्मुख हमने रखा है। तो इसको बच्चों इसी प्रकार से आप याद करने की कोशिश करें। इसको आप जब याद करते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना को देखते हुए, उनकी त्वचा को देखते हुए, उनमें मेजोडर्म का विकास हो रहा है, देवगुहा कैसी है, नोटोकॉर्ड कैसी है, नोटोकॉर्ड अगर है तो मेरुदंड उससे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो जंतु जगत के वर्गीकरण को हम आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं, और आने वाले समय में ये हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज यहीं पर हम अपना इसको विराम करते हैं और फिर बारी बारी से ये जो हमने आपको संघ बताए हैं, फाइलम बताए हैं, उनके सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।